बड़ी खबर है, पटाखे की दुकान में आग लग गई है। आग में एक बाइक जलकर खाक हो गई है। दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कोयला फाटक में पटाखा दुकान है, कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। पटाखे की दुकान में आग लगी है। ये सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग में एक बाइक जलकर खाक हुई है। दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कोयला फाटक में पटाखा की दुकान है। इंद्रेश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। इंद्रेश, इससे जनहानि कुछ तो नहीं हुई है, तो राहत भरी बात है, लेकिन आग कैसे लगी ये बताइए हमारे दर्शकों, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, आग पे काबू पा लिया गया है। घटना जो है बीती रात देर रात की है, लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच रात की ये जो घटना है, उसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब एक पटाखा जो है वो ऊपर से फूट के मतलब चालान नीचे आया था, उससे वो जो दुकान पे आके गिर गया था, जिसकी वजह से आग जो है वो लग गई। चूंकि आज 11 से तो पटाखों के लिए एक दिन के लिए अस्थायी रूप से लाइसेंस दिया जाता है जिला प्रशासन द्वारा, जिसमें कुछ लोगों ने दुकान लगाई थी, तो लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये रही कि क्योंकि आसपास भी दुकानें थी तो ये आग फैली नहीं, तुरंत आग पे काबू पाया गया। तो अभी देखा जाए तो किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, और लेकिन जो घटना हुई है आज की, इसमें एक जो बाइक है दुकान संचालक की, वो जल के खाक हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। देखा जाए तो जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है वो कितनी सही है या गलत है, तो पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किसी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। वही लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम का ये कहना है कि पटाखा आके गिरा था, जिसके बाद से ये जो है आग लगी थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। धन्यवाद इंद्रेश इस जानकारी के लिए।